सब्जेक्टिव शीट नंबर 17 के अंदर आपको फर्स्ट क्वेश्चन गिवन था, ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों गिवन है, अपने आंसर चेक कर सकते हैं। पहला पार्ट था ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, तो कितने लोगों का आंसर -10 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे क्या निकालना, ए का मैग्नीट्यूड निकालना, मैग्नीट्यूड बताया था आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट। फिर बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना, अगेन आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, के कोफिशियंट का स्क्वायर अंडर रूट। फिर आखिरी पार्ट में 3a वेक्टर करना प्लस 2b वेक्टर करना, और फिर एंड में फिर मॉड निकालना। अब 3a वेक्टर क्या होता है, देखो पहले मॉड बाद में करेंगे, पहले 3 को a वेक्टर से मल्टीप्लाई करना। अब कोई स्टूडेंट ये कहेगा सर आपने डॉट या क्रॉस नहीं लगाया, डॉट या क्रॉस दो वेक्टर की मल्टीप्लीकेशन में लगता है, स्केलर और वेक्टर में नहीं लगता, क्योंकि एक नंबर स्केलर है और एक वेक्टर है। और मैंने क्या किया, एक स्केलर 3 को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया प्लस 2 स्केलर को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, तो 3 को ए वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, बी को 2 को बी वेक्टर से मल्टीप्लाई किया, फिर इसे ओपन किया, हर टर्म को 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर हर टर्म को 2 से मल्टीप्लाई किया, आई वाली टर्म को ऐड किया, जे वाली टर्म को ऐड किया, के वाली टर्म को ऐड किया, तो आपके पास ये आंसर आ गया। तो क्या स्टेप क्लियर है यहाँ तक, तो आपके पास ये वेक्टर आ गया, लेकिन आपसे क्या पूछा गया, इसका मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड का मतलब आई के कोफिशियंट का स्क्वायर, जे के कोफिशियंट का स्क्वायर और के कोफिशियंट का स्क्वायर का अंडर रूट। क्या ये स्टेप सबको क्लियर है, तो कितने लोगों का आंसर इसका √150 आ गया, ठीक है। तो लेकिन समझ में आ रहा है आपको करना क्या है इसमें, कोई डाउट इसमें, ठीक है, इजी, सही है। अपलोड कर दी है शीट मैंने गूगल ड्राइव पे, किसी को चेक करनी हो तो वहां से भी चेक कर सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। ये स्टेप क्लियर है यहां तक कि कैसे करना है, क्लियर हो गया, ठीक है, हो जाएगा ये सॉल्व। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में टू यूनिट वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, क्या सिखाया था, पहले निकलेगा रिजल्टेंट, रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का एडिशन। तो पहले ए वेक्टर में बी वेक्टर को ऐड करें तो एक नया वेक्टर आएगा। आपको निकालना है एक यूनिट वेक्टर विच इज पैरेलल टू रिजल्टेंट ऑफ, अब जो भी रिजल्टेंट आया यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन इस वेक्टर के पैरेलल ही होगी, पैरेलल का मतलब इन दी सेम डायरेक्शन, तो आर कैप और आर वेक्टर विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो आर कैप की वैल्यू क्या होगी, आर वेक्टर बाय आर, आर वेक्टर मुझे पता है आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर, सॉल्व करके आपके पास ये आंसर आएगा। इसके अंदर √49 को 7 पुट करके आंसर आएगा। क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है, हो गया था ये, तो स्टेप समझ में आ रहा है कि पहला स्टेप क्या है, पहले निकालना पड़ेगा रिजल्टेंट, फिर उसका निकालना पड़ेगा यूनिट वेक्टर। जब तक रिजल्टेंट नहीं आएगा तब तक यूनिट वेक्टर कैसे आएगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहां तक, ठीक। नेक्स्ट, प्रूव दैट दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अगर दो वेक्टर्स प्रूव करने हो कि वो परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो। तो आई वाली टर्म को आई के साथ, जे वाली टर्म को जे के साथ, चेक करो मेरा आंसर जीरो आ रहा है, इसका मतलब टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। तो हो गया सबको एक प्रूफ, तो कैसे करने समझ में आ रहा है, दो वेक्टर का क्या लेना है, डॉट प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट शुड बी इक्वल टू जीरो, और डॉट प्रोडक्ट लेना आता है ना, आई वाली टर्म को आई के साथ तो 2, जे वाली टर्म जे के साथ तो -2, तो नेट आंसर क्या आएगा, जीरो, ठीक है यहां तक। फाइंड एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल निकालना, एंगल निकालने का एक ही तरीका है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्या होता है, ए बी कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, आपको इसमें ए वेक्टर पता है, आपको इसमें बी वेक्टर पता है, और डिवाइडेड बाय ए का मैग्नीट्यूड क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, बी का मैग्नीट्यूड क्या है, -1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर और -2 का स्क्वायर। अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लूँ तो आई को आई के साथ -1, जे को जे के साथ तो 2, के को के साथ तो +2, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √6, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, √6, सॉल्व करके क्या आ गया, हाफ,
कॉस थीटा की वैल्यू हाफ आ गई, तो थीटा क्या आ गया 60 डिग्री। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कैसे करना है? ठीक है, किया भी था शायद ऐसा क्वेश्चन। ठीक, ए वेक्टर बी वेक्टर गिवन है, सबसे पहले क्या निकालना है? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कई लोग सोच रहे हैं रिजल्टेंट निकालना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसने क्या बोला, मैग्नीट्यूड बोला ही नहीं। ए वेक्टर में बी वेक्टर को सिंपली ऐड कर दो, तो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर, इन्हें ऐड करके आई वाली टर्म आई में, जे वाली टर्म जे में, के वाली टर्म के में, ऐड करके आंसर, तो दो वेक्टर को ऐड करके वेक्टर ही आएगा, तो आंसर वेक्टर में ही छोड़ना पड़ेगा। फिर उसने बोला ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, तो ए वेक्टर में से बी वेक्टर को क्या कर दिया, माइनस, आई वाली टर्म आई में से, जे वाली टर्म जे में से, और के वाली टर्म के में से, माइनस करके आंसर। तो यही आया आप लोगों का, ठीक, यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है डॉट प्रोडक्ट निकालना। डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के के साथ मल्टीप्लाई, तो आंसर क्या आ रहा है, माइनस 38। ये आ रहा है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट रुक जाओ, अभी हमने किया नहीं, आज हम करेंगे, तो वहीं से स्टार्ट करेंगे अपने असाइनमेंट। ठीक है, तो ये पार्ट हो जाएंगे सबके। नेक्स्ट है शो दैट दीज आर पैरेलल, रुक जाएंगे अभी। नेक्स्ट है कितने लोगों का ये हो गया, हो गया। ए कैप और बी कैप दो यूनिट वेक्टर्स हैं और इनके बीच में एंगल थीटा है। कोई मुझे ये बताएगा कि अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है, तो क्या ए कैप और बी कैप के बीच में भी एंगल थीटा होगा? ये सही है, ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में अगर एंगल थीटा है, तो क्या ए कैप और बी कैप का एंगल भी थीटा होगा? सही है, क्योंकि ए वेक्टर के बीच में से क्या निकलेगा, ए कैप, बी वेक्टर में से क्या निकलेगा, बी कैप। डायरेक्शन ए वेक्टर की और ए कैप की सेम है, बी वेक्टर की और बी कैप की सेम है, तो जो एंगल ए वेक्टर बी वेक्टर का होगा वही एंगल ए कैप और बी कैप का भी होगा। चलो वैसे ही बात कर रहे थे, चाहिए नहीं। चेक करता हूं, पहले लेफ्ट हैंड साइड से शुरू करते हैं। अगर मैं पूछूं ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, आप बोलेंगे 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, आप बोलेंगे 1, लेकिन मुझे किसका मैग्नीट्यूड निकालना है, लेफ्ट हैंड साइड में ए कैप माइनस बी कैप का मॉड। अगर मैं यहां पे ये लिखता कि मुझे यहां पे चाहिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मॉड मैग्नीट्यूड, तो बोलो आंसर क्या होता, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, ये आंसर आता। पर प्रॉब्लम ये है कि यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर नहीं है, कैप बी कैप है, तो ए कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, बी कैप का मैग्नीट्यूड क्या है, 1, तो फिर क्या बनेगा रिजल्टेंट, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 2, 1 into 1 into cos थीटा। ऐसा फॉर्मूला क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर क्या लगा हुआ है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगेगा, यहां से 2 और 2 में से 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा, 1 माइनस cos थीटा। क्या ये स्टेप क्लियर है? इस क्वेश्चन में कोई फिजिक्स नहीं चाहिए, फिजिक्स तो एक स्टेप खत्म हो गई, इसमें मैथ चाहिए। मैथ में कुछ फॉर्मूलाज हैं, जैसे पहला फॉर्मूला मैथ्स में cos 2 थीटा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको मॉडिफाई करें तो cos स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या बनेगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो कभी कभी ऐसे यूज करते हैं, कभी कभी ये फॉर्मूला यूज करते हैं, कभी कभी ऐसे भी करते हैं, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर का मतलब 1 माइनस cos स्क्वायर है, तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos थीटा माइनस 1, ये भी यूज कर सकते हैं, राइट, ये भी क्लियर है। अच्छा, कभी कभी ऐसे भी यूज करते हैं, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। अगर ये एंगल 2 थीटा है तो ये एंगल क्या हो गया, थीटा। अच्छा, अगर ये एंगल 2x होता तो ये क्या होता, x। अगर ये थीटा होता सिर्फ तो ये क्या होता, थीटा बाई 2। यही तो कर रहा हूं, cos थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तो 2 थीटा का थीटा और थीटा का थीटा बाई 2।
तो यहां से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 क्या आ गया, 1 माइनस कॉस थीटा। सिमिलरली अगर जरूरत पड़े तो ये भी कर सकते हैं, अगर ये एंगल 2 थीटा की जगह थीटा होता तो कॉस स्क्वायर की जगह क्या हो जाता, थीटा बाई 2। तो कई बार न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ जाती है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 की, तो आंसर क्या होगा, 1 प्लस कॉस थीटा। तो अगर आपने नोट करना है तो ये फॉर्मूला नोट कर सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं, ये नोट कर सकते हैं, ये और ये भी नोट कर सकते हैं। तो कहीं नोट करना है फॉर्मूला रजिस्टर में नोट कर लें, वैसे मैथ्स के टीचर करवा ही देंगे पर फिर भी अगर जरूरत पड़ेगी तो एटलीस्ट हमें पता होना चाहिए ये मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं। और क्योंकि मेरे को क्या चाहिए था, 1 माइनस कॉस थीटा, ऊपर जो टर्म आई हुई थी 1 माइनस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, रूट में से 2 एंड 2 बाहर आ गया, यही प्रूव करना था, 2 साइन थीटा बाई 2 इज द आंसर। तो अगला स्टेप इसमें मैथ है, फिजिक्स कोई नहीं है इसमें। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं सबको कैसे करना है? सर एक बार दोबारा बता दो, नेटवर्क की प्रॉब्लम हो गई कुछ, ठीक है चलो। मैंने ये बताया कि इसमें यहां तक आ गया था आपको समझ? हाँ जी सर। तो 1 माइनस कॉस थीटा में मैंने बताया कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर होता है, मैथ्स से ये फॉर्मूला आया हुआ है। तो कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हो या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख सकते हो। तो मैंने ये बोला कि अगर ये 2 थीटा है तो ये थीटा हो जाएगा, लेकिन अगर ये 2 थीटा की जगह थीटा है तो थीटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2 हो जाएगा। तो यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 की वैल्यू 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगी, जो ऊपर आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, तो यहाँ से आंसर आ जाएगा। क्लियर है? सब्स्टिट्यूट की है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये मैथ्स के फॉर्मूलाज हैं, आप नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ठीक है सर।
और क्या, ठीक है। कितने लोगों का ये आंसर ए बी कॉस थीटा आ गया, आ गया। देखो इसने क्या लगाया, मॉड, यहाँ भी क्या लगाया, मॉड। अब मॉड का मतलब मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड क्या होगा इसका, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, और इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। तो यहाँ पर स्क्वायर और स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, ओपन कर लो ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो यहाँ से ए स्क्वायर बेस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसल। तो सॉल्व करके आंसर ए बी कॉस थीटा। तो पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक, कैसे ओपन करना है इसे, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो मैग्नीट्यूड ही लेना पड़ेगा, मॉड मीन्स ओनली वैल्यू, मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लेना है। क्या ये स्टेप क्लियर है सबको? कई लोग इसमें ऐसा कर देते हैं, उनकी गलती नहीं है, ऐसा हो जाता है, इसको ऐसे ओपन करते हैं, ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस टू इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, भाई कहते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है। देखो पहली बार गलती हुई कोई बात नहीं, पर मैं करेक्ट कर देता हूँ, वेक्टर का स्क्वायर पॉसिबल ही नहीं है, कोई किताब ही नहीं है जिसमें ऐसा लिखा होगा, क्योंकि ए वेक्टर का मतलब क्या हुआ, ए वेक्टर का मतलब हुआ जैसे 10 न्यूटन टुवर्ड नॉर्थ, तो 10 का स्क्वायर तो हो जाएगा, नॉर्थ का स्क्वायर कैसे होगा, नहीं होगा, नॉर्थ ईस्ट का स्क्वायर कैसे होगा, डायरेक्शन का स्क्वायर ही नहीं होता। तो कभी भी आप ऐसा गलती मत करना। हाँ ये हो सकता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर पॉसिबल है, इसका मतलब ए स्क्वायर होता है, पर ए वेक्टर का स्क्वायर पॉसिबल नहीं है। क्या ये पॉइंट क्लियर है सबको यहाँ तक, कोई डाउट इसमें? तो इसीलिए आपने इसको होल स्क्वायर ओपन नहीं करना, आपने मॉड देख के इसका क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड, इसका भी मॉड देख के क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड आंसर। कोई डाउट इसमें? ठीक है यहाँ तक। नेक्स्ट है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। कई लोग फिर से कॉमन गलती करते हैं, पता क्या करते हैं, वो कहते हैं मैथ वाले कहते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हमने ऐसा कर लिया था, ऐसा करके फिर हमने सोचा कि आपने कहा था स्क्वायर तो होता नहीं वेक्टर का, तो ए का तो स्क्वायर कर ही सकते हैं, तो ये हमारा आंसर आ गया। देखो आपके साथ मैच कर गया, देखो मैच भी करेगा, कमाल की बात। फिर कहेंगे देखो सर आपने नंबर काट लिया हमारे और चेक भी नहीं किया, भाई ए वेक्टर का स्क्वायर होता ही नहीं है, तो अगर आपका मन करे एरो के ऊपर स्क्वायर डालने का, कभी भी मत डालना, ठीक है यहाँ तक। तो आप इसे ऐसे नहीं करेंगे, डॉट है, डॉट का रूल अपनाएंगे, पहले से ओपन करें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इसे ओपन करें, अब वैल्यू पुट करें, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, ए इंटू ए इंटू एक वेक्टर का उसके खुद के साथ एंगल क्या होता है, जीरो, ए ए कॉस जीरो। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का फॉर्मूला क्या करवाया था, ए बी कॉस थीटा बी ए कॉस थीटा बी बी कॉस जीरो, क्योंकि बी वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा, जीरो। तो ये क्या बन गया, ए स्क्वायर, ये कट गया और ये क्या बन गया, बी स्क्वायर, आंसर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ही होगा। पर इसमें आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डायरेक्टली लगा नहीं सकते, मैं पहले बता दूं गलत हो जाएगा, समझ में आ रहा है, डॉट है तो प्रॉपर ब्रैकेट की ओपनिंग ही होगी, नहीं तो आंसर नहीं आएगा। तो प्रॉपर एक एक टर्म को डॉट प्रोडक्ट के साथ अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कितनों ने ऐसे किया था वैसे, ऐसे किया है? थर्ड में ए ए कॉस जीरो, एक वेक्टर का खुद के साथ एंगल क्या होगा, जीरो, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू कॉस जीरो। इसमें मान लेते हैं एंगल थीटा है, तो ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, ऐसी बी बी कॉस जीरो। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें? नेक्स्ट ये नहीं होगा, अभी ये भी नहीं होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज सी वेक्टर। वेक्टर अगर लगा हुआ है तो इसका मतलब सी वेक्टर रिजल्टेंट है ए वेक्टर का एंड बी वेक्टर का, तो सी का मैग्नीट्यूड क्या होगा ये देखते हुए, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ये सी का मैग्नीट्यूड है।
पर वो ये कह रहा है कि सी का मैग्नीट्यूड तो और भी है ए प्लस बी, तो सी की वैल्यू को आप रिप्लेस कर देना किससे, ए प्लस बी के साथ, फिर इसकी स्क्वेयरिंग करना, स्क्वेयरिंग करके ए स्क्वायर बी स्क्वायर टू ए बी आएगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, टू ए बी की टर्म इसके नीचे आके डिवाइड होके वन हो जाएगी, तो कॉस थीटा वन हो जाएगा, थीटा जीरो हो जाएगा आंसर। आपको इसमें थीटा निकालना है, कितनों को आ गया था, समझ में आ रहा है करना क्या है। तो पहले ये रूल तो ये कहता है कि सी मैग्नीट्यूड है और सी जो रिजल्टेंट है, तो पहला फॉर्मूला रिजल्टेंट का लगेगा, फिर सी की जगह पुट करेंगे ए प्लस बी, फिर आंसर आएगा। ठीक है यहाँ तक, ठीक है। फाइंड एंगल बिटवीन, हमने किया था एंगल निकालने का तरीका, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय ए बी, ए वेक्टर पता है डॉट बी वेक्टर पता है, ए का मैग्नीट्यूड निकाल लेना रूट टू का स्क्वायर थ्री का स्क्वायर फोर का स्क्वायर, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल लेना, न्यूमिनेटर में आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ मल्टीप्लाई, इसका मैग्नीट्यूड निकालना। शायद 29 आ रहा है यहाँ पे, 29 आ रहा है, 29 और सॉल्व करके आंसर आ गया। इसके आगे मैं सॉल्व कर नहीं पाऊंगा, कॉस इनवर्स छोड़ देना, कॉस थीटा की वैल्यू आ गई तो थीटा निकल नहीं पाएगा, तो कॉस इनवर्स की पूरी वैल्यू ऐसे छोड़ देना आंसर। तो ये इसका आंसर है, कॉस इनवर्स में ही छोड़ देना, ये 29 कर देना, ये भी 29 कर देना और ये भी 29। कितनों का आ गया था ये, ऐसे आया है क्योंकि इसके बढ़िया एंगल तो आएंगे नहीं, 60 डिग्री 45 डिग्री नहीं आएगा। तो अगर आप नहीं सॉल्व कर पा रहे तो आपको कॉस इनवर्स में ही छोड़ना पड़ेगा। को डाउट इसमें हो जाएगा सॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट, अ पार्टिकल मूव फ्रॉम पोजीशन दिस पोजीशन टू दिस पोजीशन, तो ये दो क्या गिवन है, पोजीशन वेक्टर्स, पर आपको क्या चाहिए, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। एक शॉर्टकट करवाया था, फाइनल पोजीशन में से इनिशियल पोजीशन को स्ट्रेट फॉरवर्ड माइनस कर दें, फाइनल पोजीशन इनिशियल पोजीशन, तो आपके पास एस वेक्टर यानी कि डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एक ही शॉर्टकट में आ जाएगा। तो आपने डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकाल दिया, एस वेक्टर तो आपको पता ही है, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या करवाया था, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, तो एफ वेक्टर पता है डॉट एस वेक्टर पता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, आंसर टेंजुल आंसर। तो पहला पॉइंट क्या है, एस वेक्टर निकालना, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना, उसके बाद ही आपका आंसर आ पाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है यहां तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें। नेक्स्ट है, एम की वैल्यू निकालनी है सो दैट टू दीज टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर। क्या सिखाया था, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के को के साथ, इक्वल टू जीरो, तो एम की वैल्यू माइनस टू, ये आंसर आ रहा है। मेथड समझ में आ रहा है कि कैसे करना है इसे, कोई डाउट इसमें। जैसे एंगल निकालना है फिर से, तो एंगल निकालने में कुछ है ही नहीं, सेम फॉर्मूला, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए बी, ए वेक्टर पता है डॉट बी वेक्टर पता है, ए का मैग्नीट्यूड पता है, बी का मैग्नीट्यूड पता है, आई को आई के साथ, जे को जे के साथ, के साथ,
तो ये रूट सिक्स हाफ, ये तो किया भी था, तो थीटा यहाँ से क्या आएगा 60 डिग्री, ये पहले भी आया था अभी क्वेश्चन थोड़ी देर पहले भी सेम ये। हाँ ये वाला कर रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ, चलो पहले आधा आधा क्वेश्चन करते हैं। मैग्नीट्यूड निकाल लो आई कैप प्लस जे कैप का, क्या सिखाया था, अंडर रूट ऑफ आई के कोफिशियंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशियंट का स्क्वायर, क्या आएगा रूट टू। आई कैप माइनस जे कैप का मॉड क्या आएगा, अंडर रूट ऑफ वन स्क्वायर प्लस माइनस वन स्क्वायर रूट टू। क्या ये पॉइंट क्लियर है? तो मैग्नीट्यूड तो आ गया, डायरेक्शन निकालने के लिए डायग्राम बनाते हैं। आई कैप कहाँ पर होगा, एक्स एक्सिस, जे कैप कहाँ होगा, वाई एक्सिस, मैग्नीट्यूड दोनों का क्या होगा वन। तो आप पैरलोग्राम ड्रॉ करें, इसके पैरल ये, इसके पैरल ये, और रिजल्टेंट ड्रॉ करें, रिजल्टेंट क्या आएगा आई कैप प्लस जे कैप। और उसने यही तो पूछा आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन क्या होगी, निकाल दो, आपको इसकी डायरेक्शन बतानी है। अगर ये वन है तो ये भी वन है, तो ये भी वन है, तो टेन थीटा क्या होगा 1/1, तो थीटा क्या होगा 45 डिग्री, तो 45 डिग्री विद एक्स एक्सिस, ये डायरेक्शन है। डायग्राम से समझा दो कि आपने 45 डिग्री पे ये वेक्टर को ड्रॉ किया, कोई डाउट इसमें? देखो नहीं हर में जरूरी नहीं है, लेकिन इसमें मेरे को जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मैं कैसे बताऊंगा एंगल क्या होगा। नहीं ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बतानोगे तो अच्छी बात है, सब्जेक्टिवली अच्छी बात है। फिर देखो ये आई कैप होता है, ये जे कैप है, तो अगर मैं ये पूछूं कि पैरेललोग्राम ड्रॉ करो और रिजल्टेंट ड्रॉ करो, रिजल्टेंट की वैल्यू क्या आएगी आई कैप प्लस जे कैप, तो आई कैप प्लस जे कैप की डायरेक्शन बतानी है। तो मान लेते हैं डायरेक्शन के लिए एंगल निकाल दें, अगर तो डायरेक्शन मानी जाएगी, तो डायरेक्शन के लिए ये वन है तो ये भी वन है, आई जे कैप का मैग्नीट्यूड वन है, आई कैप का मैग्नीट्यूड भी वन है, तो टेन थीटा क्या होगा 1/1, तो थीटा क्या होगा 45। तो 45 डिग्री बताना खुद इटसेल्फ रिजल्टेंट की डायरेक्शन बताना आंसर आ गया। सिमिलरली आई कैप माइनस जे कैप, या आई कैप है, जे कैप ऊपर है, तो माइनस जे कैप नीचे है, नेगेटिव वेक्टर लेना पड़ेगा। तो अगर मैं इन दोनों को पैरेललोग्राम से मिलाऊं और रिजल्टेंट पूछूं, तो क्या आएगा रिजल्टेंट, ये आई कैप है, ये माइनस जे कैप है, तो आई कैप माइनस जे कैप आएगा, कोई डाउट इसमें? तो आई कैप माइनस जे कैप आएगा, तो इसका मैग्नीट्यूड वन है, ये वन है, तो ये एंगल ऑटोमेटिकली फिर से 45 है, लेकिन इस बार नीचे की तरफ है, वो ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, इसलिए डायरेक्शन डायग्राम बनाए ताकि दिख जाए कि ऊपर है वेक्टर और एक नीचे है। हाँ -45 भी लिखा जा सकता है, -45 डिग्री का मतलब नीचे की तरफ है, +45 का मतलब ऊपर की तरफ है, हो सकता है ऐसे, ठीक है। नहीं तो लिख दो अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड विद पॉजिटिव एक्स एक्स एक्सिस, एक ही बात है, ऊपर की तरफ है अप, ये डाउनवर्ड एक ही बात है। समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे लिखना है डायरेक्शन को, कैसे शो करना है इसमें, कोई डाउट इसमें? समझ में आ रहा है यहाँ तक? ठीक, -45 डिग्री लिख दो, -45 डिग्री का मतलब ऑटोमेटिकली डाउनवर्ड होता है, +45 ऑटोमेटिकली अपवर्ड होता है, लिख सकते हैं, ठीक है। दो फोर्सेस हैं 10 और 6, कितने लोगों का ये आंसर आ गया था, कैसे निकली मैक्सिमम फोर्स? आपने 16 न्यूटन निकाल ली होगी, कैसे नहीं निकाली? अच्छा कैसे, कॉमन सेंस से आ सकती है, आ सकती है, नहीं कुछ नहीं करना, आपके पास दो फोर्सेस हैं 10 है और 6 है। इमेजिन करो अगर दो स्टूडेंट हैं और दो फोर्सेस हैं 10 और 6, और मैं पूछ रहा हूँ कि मैक्सिमम फोर्स क्या होगी इकट्ठी जब लगेंगी, तो मैक्सिमम फोर्स तब होगी व्हेन बोथ आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन, तो आंसर 10 और 6 16। और ये मिनिमम कब होगी, जब 10 और 6 इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो कितनी 4, तो मिनिमम 4 है, मैक्सिमम 16 आंसर आ गया। चलो मैथ्स की हेल्प लेते हैं, 10 और 4 के बीच, 10 और 6 के बीच में एंगल तो पता नहीं कितना है, चलो मैंने मान लिया एंगल थीटा है, तो रिजल्टेंट क्या आएगा 10² 6² 2 10 6 cos थीटा। अगर आप फोर्स को मैक्सिमम चाहते हो तो cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम पुट कर दो, क्योंकि ये तो सब कांस्टेंट है, ये तो चेंज होंगे नहीं, और cos थीटा की मैथ में मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है 1, और मिनिमम वैल्यू क्या होती है 0 नहीं होती, -1 होती है। तो अगर मेरे को मैक्सिमम निकालनी है तो कॉस थीटा को 1 पुट कर दो, जब 1 पुट करोगे तो a² b² 2ab बनेगा, यानी कि a + b² 2 आंसर 16 आएगा। और अगर मिनिमम निकालना है तो कॉस थीटा की वैल्यू -1 पुट कर दो, तो a - b² बनेगा, यानी कि 4 आएगा। हालांकि ये इतना करने की जरूरत नहीं है,
सिंपल कॉमन सेंस ही कर दो फोर्सेस सेम डायरेक्शन में है तो मैक्सिमम फोर्स देंगी, ऑपोजिट है तो मिनिमम फोर्स देगी, वैसे ही आंसर आ जाएगा, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अगर आपने एंगल कुछ और लिया इनके जीरो और जो भी वन और माइनस वन के अलावा, तो फोर्स कुछ भी आएगी पर रहेगी 4 और 16 के बीच में ही रहेगी। हमें तो मिनिमम और मैक्सिमम निकालनी है, हमने मिनिमम मैक्सिमम निकाल दिया, आंसर आ गया। कोई डाउट इसमें? पॉइंट समझ में आ रहे हैं यहाँ तक? क्या क्वेश्चन है? अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस बी, मतलब मैग्नीट्यूड ए प्लस बी का और मैग्नीट्यूड ए माइनस बी का बराबर है, तो आपको इसमें एंगल निकालना है। ओके, मैग्नीट्यूड होता क्या है ए प्लस बी वेक्टर का? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab cos थीटा। मैग्नीट्यूड का मतलब रिजल्टेंट की वैल्यू, अंडर रूट ऑफ क्या होगी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर में, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करेंगे तो क्या बचेगा, 4ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, ये सब 0 के नीचे आ गया, cos थीटा 0, 0 0 के बाद थीटा 90 डिग्री, आंसर 90 डिग्री। तो पॉइंट समझ में आ रहा है कैसे करना है? तो दो फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, या रिजल्टेंट की वैल्यू को पुट किया, इक्वेट किया, रिजल्टेंट को इक्वेट करके स्क्वायर करके आपको आंसर आएगा इसमें। कितनों को आ गया था आंसर ये? ठीक है यहां तक? नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्पोनेंट्स निकालना सिखाया था लास्ट टाइम। क्या क्वेश्चन है? फाइंड कॉम्पोनेंट ऑफ ए वेक्टर 2i कैप प्लस 3j कैप अलोंग। दो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन अलोंग क्या i कैप प्लस j कैप, तो दूसरा वेक्टर क्या है i कैप प्लस j कैप। तो आपको ए वेक्टर का कॉम्पोनेंट बी वेक्टर पे निकालना है, तो ड्रॉ अ परपेंडिकुलर, जब ड्रॉ करेंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, ए कॉस थीटा। तो आंसर क्या लिखेंगे, लास्ट टाइम सिखाया था ए कॉस थीटा अलोंग डायरेक्शन ऑफ बी वेक्टर, ए कॉस थीटा बी कैप, ए कॉस थीटा के पीछे क्या आएगा बी कैप, ऐसे सिखाया था। अब ए कॉस थीटा निकालना सिखाया था, ए कॉस थीटा के लिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिख लें, ए बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा क्या होगा, बी नीचे ले आए, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन बी। ए वेक्टर आपको पता है, ए वेक्टर आपको पता है, बी वेक्टर आपको पता है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है, अंडर रूट ऑफ 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, तो किसकी वैल्यू आ गई, ए कॉस थीटा की वैल्यू आ गई, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट तो आप ले ही लेंगे ऊपर, तो ए कॉस थीटा आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट से। कोई डाउट इसमें? सबको निकालना आता है एक और थीटा, ये स्टेप समझ में आ रहा है ना कैसे किया? और बी कैप निकालने के लिए बी वेक्टर लिखें, उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, यानी कि आई कैप प्लस जे कैप अपॉन √2 बी कैप आ गया। तो अब आपके पास क्या आ गया, एक और थीटा आ गया, आपके पास बी कैप आ गया, एक और थीटा की जगह एक और थीटा की जगह एक और थीटा, बी कैप की जगह बी कैप, √2 √2 2 होता है, आंसर आ गया। तो आइडिया समझ में आ रहा है कि ए कॉस थीटा कैसे निकलेगा और बी कैप कैसे, कितने लोगों का आंसर ही आ गया था, समझ में आ रहा है यहां तक? सेम क्वेश्चन करना है, अब नेक्स्ट पार्ट है, ए वेक्टर का कंपोनेंट निकालना है किसके ऊपर, आई कैप माइनस जे कैप पे, करो फिर एक मिनट लेके, सेम क्वेश्चन करो, बस बी वेक्टर की जगह रिप्लेस करो आई कैप माइनस जे कैप, ट्राई करो। ए वेक्टर वाला लास्ट टाइम आए थे, ए वेक्टर है, इसका कंपोनेंट बी वेक्टर पे निकालना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कंपोनेंट क्या होगा ए कॉस थीटा, तो आंसर क्या होगा, ए कॉस थीटा अलोंग बी वेक्टर, अलोंग बी वेक्टर को हमने लास्ट टाइम क्या लिखा था बी कैप। तो अगर मैं ये और ये वैल्यू बता दूं आंसर आ जाएगा, ए कॉस थीटा की वैल्यू निकालने के लिए फॉर्मूला लिखें डॉट प्रोडक्ट का, ए कॉस थीटा एक तरफ बी इसके नीचे आ गया, फॉर्मूला बन गया, ए वेक्टर पता है बी वेक्टर पता है, पुट कर दें, बी का मैग्नीट्यूड क्या है √2, आई को आई के साथ जे को जे के साथ ए कॉस थीटा आ गया, फिर बी वेक्टर लिख लिया, बी कैप क्या होगा अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, बी कैप आ गया, ए कॉस थीटा आ गया, बी कैप आ गया, यहां पे पुट कर देते हैं ए कॉस थीटा और बी कैप, मल्टीप्लाई करके आंसर आ गया, कॉम्पोनेंट तो एक कॉस थीटा होता है ना, ये देखो थीटा के साथ वाला कॉम्पोनेंट रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर कॉस थीटा होता है हमेशा,
साइन तो परपेंडिकुलर होता है ना, हम तो अलोंग निकाल लें। अब सेम क्वेश्चन मैंने किया, आई कैप माइनस जे कैप, आपने अभी किया होगा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, इस बार वी वेक्टर क्या बन गया, आई कैप माइनस जे कैप। तो ए कॉस थीटा में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी, आई को आई के साथ 2, जे को जे के साथ माइनस 3, सॉल्व करके ए कॉस थीटा आ गया। अब बी कैप क्या होगा, अ वेक्टर बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो आंसर क्या आ गया, ए कॉस थीटा की जगह ए कॉस थीटा, बी कैप की जगह बी कैप, मल्टीप्लाई करें रूट टू मल्टीप्लाई आंसर। तो मेथड सेम रहेगा, वही ए कॉस थीटा निकालना, वही बी कैप निकालना, फिर दोनों को मर्ज कर देना। कोई डाउट इसमें, यही आंसर आ रहा है सबका, अभी आप लोगों ने ट्राई किया, समझ में आ रहा है यहाँ तक, पीछे तीनों क्लियर है एंड में, ठीक है यहाँ तक, तो कैसे करना है समझ में आ रहा है, ये नहीं होगा अभी, यूनिट वेक्टर तो निकाल ही लेंगे, इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ए वेक्टर बाय ए का मैग्नीट्यूड आपको निकालना आता ही है, सॉल्व करके आंसर। ओ अच्छा 26 आएगा, ठीक है 26 आएगा, ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहाँ तक, कैसे करना है, यूनिट वेक्टर हो गया, ए वेक्टर पता है, बी वेक्टर पता है, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट, पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा फिर उसका मैग्नीट्यूड निकलेगा, तो पहले ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड कर दें, आई को आई में जे को जे में, तो क्या आएगा, रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, तो रिजल्टेंट वेक्टर आ गया आई जे के में, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, अंडर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कोई डाउट इसमें, तो पहले रिजल्टेंट वेक्टर निकलेगा उसका फिर मैग्नीट्यूड निकलेगा, क्या ये पॉइंट क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट इसमें, ठीक है, क्वेश्चन ये नहीं होगा, यूनिट वेक्टर निकालना आता है, अ वेक्टर डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, सेम है, रिपीट है।